नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सुमन एजुकेशन हब में। काफ़ी सारे कन्फ्यूज़न चलते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस को लेके, तो इस वीडियो में वो सारे कन्फ्यूज़न्स आपके दूर हो जाएंगे। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस विथ सिंपल एंड स्मूथ वर्ड। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं एंड देख लेते हैं कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की क्या मीनिंग है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट एक्सपेंसेस। तो देखिए, बिजनेस को रन करने के लिए एक्सपेंसेस होते हैं एंड एक्सपेंसेस दो टाइप के होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा एक पर्सनल छोटा सा एक्सपीरियंस है जो मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ। When I was started working as an account assistant, तो मुझे पता नहीं था कि बिजनेस को रन करने के लिए जो एक्सपेंसेस होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। आई ओनली नो अबाउट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो जितने भी लेजर्स होते थे वो मैं उसको क्रिएट करती थी अंडर हेड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के। बट वर्क करते करते मैंने नॉलेज गेन किया एंड मुझे पता चला कि देर इज़ टू एक्सपेंसेस इन अकाउंट्स, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो चलिए डिस्कशन को स्टार्ट कर लेते हैं। टुडे आई एम गोइंग टू टीच अबाउट डायरेक्ट एक्सपेंसेस। देखिए, मैं ज़्यादा घुमा फिरा के आपको नहीं बताऊंगी, मैं सिंपल वर्ड्स में आपको बताऊंगी कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस किसे कहते हैं। काफ़ी सारे लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं अबाउट डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। वो समझ नहीं पाते कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है। तो सिंपल वर्ड्स के साथ मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, आप इजीली समझ जाएंगे कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस किसे कहते हैं। देखिए, डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो होता है वो रिलेटेड फैक्ट्री होता है, जो आपका यूनिट होता है जहाँ पे आपके प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। तो जो भी एक्सपेंसेस आपके प्रोडक्ट को, जो प्रोडक्ट प्रोडक्शन करने से रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस होते हैं उसको हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस करते हैं। तो जो भी आपका जो प्रोडक्ट होता है उसको मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए जितने भी टाइप के एक्सपेंसेस आपके फैक्ट्री में किए जाते हैं उन सारे एक्सपेंसेस को हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं। जैसे कि अगर मैं कुछ एग्जांपल्स के साथ आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ, सो लेट्स टेक इन सम एग्जांपल्स सो दैट आई कैन एक्सप्लेन यू। डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर में जो फैक्ट्री का रेंट होता है, रेंट ऑफ द फैक्ट्री जो आप पे करते हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर में आता है। लेबर के वेजेस जो होते हैं, जो वहाँ पे लेबर्स वर्क करते हैं उनको जो आप वेजेस पे करते हैं, जो सैलरी पे करते हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर में आता है। रॉ मटेरियल के जो कॉस्ट होते हैं, जो रॉ मटेरियल आप परचेस करते हैं वो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर में आता है। एंड फैक्ट्री से रिलेटेड जितने भी जो खर्चे होते हैं वो सारे खर्चे हमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर में मेंटेन करना होता है। तो अगर सिंपल वर्ड्स में मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो जो भी फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंसेस किए जाते हैं उन सारे एक्सपेंसेस के लेजर आपको क्रिएट करने होते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर में। वो चाहे फैक्ट्री का रेंट हो, लेबर के वेजेस हो, वहाँ के इलेक्ट्रिसिटी बिल हो, वाटर बिल हो, टेलीफोन बिल हो, या फिर रॉ मटेरियल हो, और या फिर फ्रेट चार्जेस हो, ये सारे एक्सपेंसेस जो हैं वो हमारे प्रोडक्शन से रिलेटेड होते हैं, हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड होते हैं। तो जो भी हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड एक्सपेंसेस किए जाते हैं उन सारे एक्सपेंसेस को हम क्रिएट करते हैं अंडर डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर में। सो आई होप जो मैंने एक्सप्लेन किया है आपको, आप इस चीज़ से रिलेट किया होगा आपने एंड आप समझ गए होंगे। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस से रिलेटेड जो भी क्वायरीज थी वो आपकी क्लियर आउट हो गई होगी एंड आप समझ गए होंगे कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस किसे कहते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस किसे कहते हैं। सो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो आपके ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन में, जो डेली बेसिस पे आपके बिजनेस एक्टिविटीज़ में खर्चे होते हैं, वो सारे खर्चों को हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं। जैसे कि अगर विथ एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जैसे कि आप अपने ऑफिस में रेंट पे करते हैं, अपने ऑफिस एम्प्लॉयज़ की सैलरी पे करते हैं, ऑफिस क्लीनिंग के लिए पे करते हैं एंड ऑफिस में होने वाले जो भी खर्चे होते हैं उन सारे खर्चों का लेजर आप क्रिएट करते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर में। जैसे कि कुछ और एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, ऑफिस के इलेक्ट्रिसिटी बिल आप पे करते हैं, वाटर बिल पे करते हैं, टेलीफोन बिल पे करते हैं, इंटरनेट बिल पे करते हैं, इन सारे एक्सपेंसेस को हम मेंटेन करते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर में। और भी काफ़ी सारे एक्सपेंसेस होते हैं जैसे कि लीगल चार्जेस हो गए, अगर आप अपने बिजनेस को मेंटेन करते हैं एंड किसी सीए की सर्विस लेते हैं
लीगल एंड प्रोफेशनल सर्विस अगर कोई आप लेते हैं और ऑडिट की सर्विस आप लेते हैं तो ये सर्विस को भी हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर में मेंटेन करते हैं। स्टाफ वेलफेयर हो गया, स्टाफ एंटरटेनमेंट के लिए कोई खर्चे किए जाते हैं और फेस्टिवल के लिए कोई खर्चे किए जाते हैं, जैसे कि होली फेस्टिवल, दिवाली फेस्टिवल, न्यू ईयर फेस्टिवल, इन फेस्टिवल पे अगर आप कोई एक्सपेंसेस करते हैं तो इन सारे एक्सपेंसेस को हम मेंटेन करते हैं अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के। उसके बाद जैसे कि बोनस हो गया और आप अपने एम्प्लॉयज़ को इंसेंटिव पे करते हैं तो ये भी आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर में आता है। जो ऑफिस में डेली बेसिस के खर्चे होते हैं, जैसे कि प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हो गया, जो आप स्टेशनरी परचेस करते हैं अपने बिजनेस को रन करने के लिए, ये सारे खर्चे भी आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर में आते हैं। तो अगर सिंपल वर्ड्स के साथ मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन में डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी को मेंटेन करने के लिए जो भी एक्सपेंसेस किए जाते हैं वो सारे एक्सपेंसेस हम मेंटेन करते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर में। एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आप बैलेंस शीट में देख सकते हैं, आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस डेबिट साइड में शो होता है। तो आई होप ये जो छोटा सा वीडियो है अबाउट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आपका क्लियर हो गया होगा कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस किसे कहते हैं। आई होप ये वीडियो आप सभी लोग के लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रही है तो एक छोटा सा काम कर दीजिएगा, चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।